गंजे में डाल। मुंबई देख, जो कुछ तुमने किया है उसका स्टेटमेंट दे, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। नहीं साहब, इनकाउंटर मत कीजिए साहब, अपुन आपको सब कुछ सच सच बताएगा साहब। क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है पाटिल? अरे तुझे तो इस वक्त मुन्ना भाई के पास होना चाहिए था। पाटिल, हे राणे, छीन इसका पिस्तौल, डाल हवालात में, साले को मैं बताता हूँ कानून क्या होता है। नहीं राणे नहीं, तुम दोनों की वर्दी उतर जाएगी, ये डीसीपी भगत पांडे है। अगर तू सचमुच चपक गया तो जरा सोच इन लोगों का क्या होगा। बस साहब बस, बहुत हो गया साहब, अब उनका दिमाग फट जाएगा साहब। साहब पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब अपन को अपन को ये भाई बनने का शौक चढ़ाया था। साहब अपन को बचा लो साहब, अपन को बचा लो साहब। सुखदेव सिंह के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ साहब, एसीपी पाटिल और राणी ने मिलकर उन्हें फंसाया है। मंत्री भवानी चौधरी, परमार और एमपी पटेल तीनों के इशारे पर, और साहब बाबू बख्शी का भी हाथ है। गुरु का हाथ भी तो हो सकता है। नहीं साहब, सुखदेव साहब तो खुद गुरु की मदद करना चाहते थे। सुखदेव सिंह और क्रिमिनल की हेल्प? वो क्रिमिनल नहीं था साहब, हालात ने उसे क्रिमिनल बना दिया, और हालात ने एक क्रांतिकारी के पोते को शरीफ इंसान से अंडरवर्ल्ड का डॉन बना दिया। साहब सुखदेव साहब छूट सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पाटिल और राणे को खोपचे में लेना होगा।